देखने के लिए मैं पहुंचा हूं किसान के खेत पर। तो चलिए मिलवाते हैं हमारे किसान बंधु से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइए। इजहार आलम। इजहार जी, ये जो आप अपने हाथ में गोभी का फूल लिए हुए हैं, ये कौन सी कंपनी की, कौन सी वैरायटी अपने हाथ में लिए हुए हैं सर? ये वेलकम कंपनी की 606। वेलकम कंपनी की प्रगति 606 जी। सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दे कि ये आपने कौन से महीने की कितनी तारीख में अपने खेत में इसका बीज बोया था? ये 4 अगस्त में बीज बोया था जी, और ट्रांसप्लांट किया था 4 सितंबर को। 4 सितंबर को उसकी ट्रांसप्लांटिंग की थी जी। तो ट्रांसप्लांटिंग करने के कितने दिन के बाद आपके खेत में ये तैयार होकर के आया है? 70 दिन। 70 दिन आपके खेत में इसको तैयार होने में लगे हैं। तो इसके जो वजन है, वजन आपको कैसा मिला सर इसका? वजन इसका बेहतर है अन्य बीज के मुकाबले, ढेर अच्छा है। और इसकी सफेदी मार्केट में बहुत अच्छी मांग है, इसकी डिमांड है जी। और ये वजन में भी बढ़िया है, बिक्री में भी अच्छी है। तो इसका जो टाइटनेस है एकदम बिल्कुल टाइट है, गुंबद आकार है, टाइट है, फूल जी खिला हुआ नहीं है, फूटती नहीं गोभी, जल्दी खराब नहीं होती, मार्केट में लंबे चलने वाली, लंबी चलने वाली, समय तक चलने वाली गोभी है जी। तो इसके बारे में और किसानों को सर क्या सलाह देंगे? तो इससे पहले आपने हमारी कंपनी की और कोई वैरायटी लगाई है या सबसे पहले यही आपने लगाई है? सबसे पहले यही लगाई है, सबसे पहले उसके बाद लगाई है। रुस्तम भी आपने पहले लगाई है जी, जी। तो उसके उसके रिजल्ट आपको कैसे मिले सर? उसके रिजल्ट बेहतर है, रुस्तम के भी रिजल्ट आपको बेहतर मिले। तो सर जैसे कि आपने ये प्रगति 606 लगाई है, तो और किसानों को क्या सलाह देंगे इसके बारे में? मैं यही सलाह दूंगा, थोड़ा मोटा है जी, और इसे लगाए तो मुनाफा कमाए।